मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आ रही हैं और खास बात यह कि सड़क जो है वो बाईपास न होने के चलते बड़े वाहन आम लोगों तक पहुंच रहे हैं, रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटना हो रही है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के छतरपुर से जो मंत्री हैं ललिता यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। ललिता जी, आपका क्षेत्र है, आपका इलाका है, एक्सीडेंट की आए दिन घटना हो रही है, आप क्या कुछ कर रहे हैं? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। छतरपुर में भारी आवागमन का जो दबाव पड़ता है उससे एक्सीडेंट बहुत होते हैं। कई एक्सीडेंट इस तरह से हुए हैं कि छात्र छात्राओं के भी एक्सीडेंट हुए, लोग भी समय से पहले चले गए। तो उस बात को लेके जब मैं पहला चुनाव जीती 2008 में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी 2011 में हमारे यहाँ पर गए थे, उन्होंने बाईपास की घोषणा की थी, रिंग रोड बनेगा। और रिंग रोड 2013 के बजट में भी आया, लेकिन टंकन में थोड़ी सी त्रुटि होने के कारण वो किसी कारण बस नहीं बन सका और अब वो बाईपास NHAI में चला गया है। तो मैं माननीय गडकरी जी से मिलने जा रही हूँ और बहुत जल्दी से जल्दी बाईपास की घोषणा वो करेंगे और काम भी इस पर होगा। और साथ ही एक बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि ग्वालियर टू झांसी, झांसी टू रीवा जो रोड बनना है तो वो एक बाईपास NHAI में आ गया है। तो जिसका शिलान्यास करने जल्दी से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे गडकरी जी आ रहे हैं। मुझे विश्वास है पूरा कि जिस दिन वो छतरपुर आएंगे मैं इस मांग को रखूंगी, वो सिर्फ घोषणा ही नहीं करेंगे बल्कि NHAI को निर्देश करेंगे तो छतरपुर में जल्दी से जल्दी बाईपास बनेगा। हमारे छतरपुर में आप जानते हैं बहुत सुंदर शहर है, हम लोगों ने उसको सजा के रखा है। और छतरपुर में मुख्य तीन मांगें थी हमारे, जो एक तो मेडिकल कॉलेज की मांग है वो बाकी है अभी, एक विश्वविद्यालय की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और 270 बेड का अस्पताल अभी बन रहा है और मुझे विश्वास है कि 2018 के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा करेंगे। और एक पे बाईपास, ये तीन काम हमारे हो जाएंगे तो छतरपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। मंत्री जी, शायद आप इस काम को और भी जल्दी करा देती। आपने बताया कि टंकन यानी कि टाइपिंग की गलती हो गई, ये किस तरह की गलती हुई थी और कैसे ये हुआ? ये जब 2011 की घोषणा थी और 2013 में बजट में आया, सम्मिलित हुआ, तो उसमें लिखा गया सागर टू बांदा, जबकि वो बांदा रोड नहीं था, वो बमीठा रोड था। और आप जानते हैं कि टाइपिंग जो बजट में जो टाइप हुआ उसमें मिस्टेक होने के कारण, तो जब मैं विधायक थी मैंने विधानसभा क्वेश्चन लगाया, लेकिन उसी समय ये रूट NHAI में चला गया। तो अब उसको केंद्र सरकार से होना, इसलिए माननीय गडकरी जी इसके मिनिस्टर हैं और हमारे छतरपुर में वो ग्वालियर टू रीवा का शिलान्यास करने बहुत जल्दी से जल्दी आ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस दिन वो छतरपुर आएंगे मुझे बाईपास की सौगात देके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ललिता यादव जी। मंत्री हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत करते तो नितिन गडकरी से मुलाकात करने जा रही हैं और बहुत जल्द छतरपुर में एक बाईपास निर्माण को लेकर स्वीकृति मिलने की यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही है। मंत्री जी ने यह भी खुलासा किया कि किस तरह से टाइपिंग मिस्टेक के चलते ये काम डिले हो गया, लेकिन अब यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मंत्री जी के प्रयासों से छतरपुर को एक नया बाईपास और हाईवे की सौगात मिल सकेगी। कैमरामैन अभिनय के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट, भोपाल।